संडे है बट आज यहाँ पे वैक्सीन दे रही है, थैंक गॉड मैंने सोचा। अभी बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है कि मैं ये सब फिर से ठीक करूँ। Hey guys, welcome to my channel. So guys, आज है 14th of November and आज है Sunday. Plus आज और भी कुछ था, yes, आज है Children's Day भी. अभी तो कुछ ऐसी excitement नहीं होती है Children's Day के लिए, क्योंकि जब स्कूल में थी तो बहुत ज़्यादा excitement होती थी कि Children's Day है and all. अब तो स्कूल ख़त्म, कॉलेज भी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, तो अब Children's Day कुछ ऐसा होता नहीं है. तो बस आज है संडे, तो एंड प्लस आज मुझे लेने जानी है वैक्सीन की सेकेंड डोज. तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं वैक्सीन की सेकेंड डोज लूँ जाके, बट थोड़ा सा मैं बिजी हो गई थी एडमिशन एंड ऑल के प्रोसेस में, तो इसीलिए मैंने वैक्सीन तब नहीं लिया. एंड क्योंकि डेली मुझे अलग अलग जगह जाना पड़ रहा था, तो अगर मैं वैक्सीन लेती एंड अगर बुखार एंड ऑल आ जाता तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती, राइट? तो इसीलिए मैंने नहीं लिया. एंड फाइनली अभी मैं थोड़ा सा फ्री हो गई हूँ, तो इसलिए आज मैंने सोचा कि आज जाके वैक्सीन मैं ले लेती हूँ. तो इसलिए मैं रेडी हुई हूँ एंड मैं ये पहन के ही जाऊँगी, क्योंकि इस तरीके की स्लीवलेस पहनने से वैक्सीन लेने में ईजी होती है एंड ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है हमारे यहाँ पे, एटलीस्ट सुबह तो नहीं है अब तो. सो जहाँ पे मैं जा रही हूँ वैक्सीन लेने के लिए, हमारे यहाँ पे जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पे जा रही हूँ एंड वो मेरे स्कूल के एकदम सामने ही है. ये रही मेरी स्कूल एंड सामने ही यहाँ पे हॉस्पिटल है. सो अभी मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल में एंड आज यहाँ पे कोई भी पेशेंट एंड ऑल अभी तक तो मैंने नहीं देखा है. शायद आज संडे है तो शायद इसलिए बंद होगी, आई डोंट नो. रास्ते में लोग बोल रहे थे कि आज बंद है, मत जाओ, वैक्सीन भी शायद आज नहीं देगी, बट फिर भी मैंने सोचा कि घर से निकल के आई हूँ तो एक बार चेक करके ही जाती हूँ, तो इसलिए मैं आई हूँ. सो फाइनली डन विद द सेकेंड वैक्सीनेशन एंड अभी हम आए हैं मार्केट में. एक्चुअली ये मार्केट नहीं है, ये संडे मार्केट है, सिर्फ संडे में ही यहाँ पे मार्केट होती है. तो यहाँ से थोड़ी सी सब्जियाँ एंड ऑल लूँगी घर के लिए एंड देन एक कॉस्मेटिक शॉप में भी मुझे जाना है, थोड़ा सी चीज़ें लेनी है तो वहीं पे जाऊँगी एंड देन डायरेक्टली घर. और कुछ काम नहीं है. सो बस अभी मैं आ गई हूँ कॉस्मेटिक की शॉप में. यहाँ पे मुझे लेनी है मॉइस्चराइज़र, निविया की मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है एंड एक फेस पाउडर मैंने यहाँ से ली है. आज है 18th ऑफ नवंबर एंड आज है थर्सडे. सो गाइस आज है थर्सडे 18th ऑफ नवंबर. एक्चुअली क्या हुआ कि संडे वैक्सीन लेने के बाद ना मैंने कोई भी व्लॉग एंड ऑल नहीं किया, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज इस व्लॉग को मैं कंटिन्यू करती हूँ. सो गाइस अभी मैं करूँगी एक वीडियो शूटिंग, एक मेकअप ट्यूटोरियल मैं शूट करूँगी. तो मैंने ये साड़ी भी पहले ही वेयर कर ली है एंड ये साड़ी मेरी बहुत फेवरेट वाली साड़ी है, मेरी मम्मी की साड़ी है एंड ये बॉटल ग्रीन कलर इज़ माई करेंट फेवरेट. मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है, आई थिंक हर एक स्किन टोन पर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती है ये कलर. एंड बस अभी मुझे मेकअप की वीडियो शूट करनी है, बैकग्राउंड एंड ऑल सब कुछ सेट कर लिया है मेरी माँ ने ही, ये सब अरेंज किया है, बैकग्राउंड ये साड़ी लगाया है, देन कुछ जुगाड़ करके ये सब करना पड़ा है क्योंकि यहाँ पे मेरे घर रूम में ऐसी कोई जगह नहीं है कि मैं ऐसी बैकग्राउंड सेट करूँ. बट क्योंकि मेकअप ट्यूटोरियल में जो भी आई शेडो की कलर्स है वो अच्छी तरीके से नहीं आती है मेरी ये जो वॉलपेपर है उसमें, तो इसीलिए बहुत दिनों से सोच रही थी कि क्या कर सकती हूँ मैं, कि मैं इसे कैसे चेंज करूँ. तो अभी माँ ने थोड़ा सा जुगाड़ लगा ये सब कर दिया है. सो शी इज़ रियली सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है मुझे, तो उन्होंने ये सब कुछ करके दिया है, सब कुछ रेडी करके दिया है. इवन मेरी आई शेडो पैलेट, मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स में क्या क्या यूज़ करूँगी सब कुछ रेडी है यहाँ पे. मैं थोड़ा सा कुछ काम में मैं बिजी थी तो इसलिए मैं नहीं कर पाई, तो उन्होंने ये सब कुछ करके दिया है. सो आई एम ब्लेस्ड. सॉरी, जल्दी से मैं मेकअप ड्यूटेल शूट करूँगी एंड इसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ. ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरी माँ ये सब अरेंज कर रही है, बैकग्राउंड एंड ऑल सब कुछ सेटअप कर रही है. ये सारी से किया है तो बहुत ज़्यादा जुगाड़ करनी पड़ी है इस बैकग्राउंड के लिए, फेविकॉल एंड ऑल बहुत कुछ लगा है एंड यहाँ पे स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसी स्पेस में मैं वीडियो बनाती हूँ क्योंकि यहाँ पे अच्छी होती है वीडियोज़. सो
गाइस अभी मैंने हाफ मेकअप ट्यूटोरियल शूट किया है, ऑलमोस्ट डन। सिर्फ मुझे लिपस्टिक एंड हेयर स्टाइल करनी है एंड देन मेकअप लुक कंप्लीट हो जाएगी। बट अभी बच रहे हैं रात के 10:30, सो अभी डिनर का टाइम हो गया है। मम्मी मेरी माँ वेट कर रही है डिनर करने के लिए। बट मैंने सोचा कि इस लुक को कंप्लीट करके ही मैं जाऊँगी डिनर करने के लिए, बट वो मेरे लिए वेट कर रही है, तो मैंने बोला कि ठीक है एक साथ ही डिनर कर लेते हैं। तो अभी मम्मी मुझे खिला के दे रही है। यही होता है एक्चुअली मेकअप के, ये आप कह सकते हो बिहाइंड द सीन्स है। लाइक एक वीडियो मेकअप ट्यूटोरियल स्पेशली शूट करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ही टाइम, 1-2 घंटे लग जाते हैं, कभी कभी 3 घंटे भी लग जाते हैं। तो इसके बीच ही मैं डिनर लंच का अगर टाइम हो जाए तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इसी तरीके से मैं मैनेज करती हूँ। सो गाइस डन विद द मेकअप ट्यूटोरियल, मैंने मेकअप ट्यूटोरियल शूट कर लिया है। अभी बज रहे हैं रात के 11, बहुत लेट हो गई हूँ मैं। सो अभी मैं जल्दी से मेकअप एंड ऑल रिमूव करूँगी। एंड ज़्यादा लेट मैं इसलिए हो गई क्योंकि मेकअप ट्यूटोरियल शूट करने के बाद मैंने शूट किया है एक स्किन केयर की वीडियो, यानी स्किन केयर का इंट्रो मैंने शूट किया है एंड देन एक शॉर्ट्स मैंने शूट किया है, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। बाय द वे आई एम जस्ट लविंग दिस लुक, स्पेशली द आई मेकअप, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। अभी मेरी मम्मी ये सब ठीक कर रही है। मेरे पास अभी बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है कि मैं ये सब फिर से ठीक करूं, तो इसलिए मम्मी करके दे रही है मुझे सब कुछ। इसलिए मेरे काम थोड़ा सा कम हो जाती है माँ के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प करती है वीडियोस एंड ऑल में, बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा। तो बस यही है। एंड अभी मैं मेकअप रिमूव करूँगी। वैसे रिमूव करने का मन तो नहीं कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी मच आलसी काइंड ऑफ पर्सन, बट रिमूव करनी है क्योंकि पिंपल्स एंड ऑल हो जाती है। वैसे मैं जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ की है उससे पिंपल्स नहीं होती है, बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट्स है। स्पेशली बेस का जो भी आप यूज़ करते हो ना, फाउंडेशन एंड ऑल, वो हमेशा अच्छी होनी चाहिए, अच्छी ब्रांड की होनी चाहिए। नहीं तो आप चीप प्रोडक्ट्स कोई भी यूज़ करोगे जो अच्छी ब्रांड की भी नहीं है, तो आपको पिंपल्स एंड ऑल होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। सो इसलिए अच्छा प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहिए। लेकिन और एक रीज़न ये कि बहुत ज़्यादा ही टाइम कंज्यूमिंग है ये सब करना। आज मैंने लैशेस वेयर नहीं की है, वो मैं भूल गई हूँ, बट एनीवेज इतना बुरा नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है लुक। बट लैशेस वेयर करने से आई थिंक और भी ज़्यादा अच्छी लगती है ये लुक, बट मैं भूल गई थी, एकदम मेरे माइंड से आउट हो गई थी। अभी मुझे अचानक से याद आया है ये चीज़, बट कोई नहीं कभी बिना लैश, वैसे मैं जब भी बाहर जाती हूँ ना कोई भी फंक्शन एंड ऑल, इन रियलिटी मैं बिल्कुल भी लैशेस एंड ऑल प्रेफर नहीं करती हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वीडियो में अच्छा लगता है लैशेस वेयर करने से, तो इसलिए मैं वीडियो में लैशेस वेयर कर लेती हूँ, बट इन रियलिटी नॉट माई कप ऑफ टी। सो गाइज डन विद द स्किन केयर थिंग, स्किन केयर मैंने कर लिया है, फेस को अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है, सिर्फ थोड़ा बहुत काजल है, वो इजिली काजल नहीं चाहती है। अभी मैं जा रही हूँ सोने, अभी बिल्कुल भी ब्लॉग करने का एनर्जी नहीं है, बातें करने की भी एनर्जी नहीं है। मैं कल आप लोगों के साथ मिलती हूँ। ओके गुड नाइट। आज है नेक्स्ट डे एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 एंड मैं अराउंड 9 बजे उठी थी। आज थोड़ा सा लेट हो गई थी मैं, क्योंकि रात को थोड़ा सा लेट नाइट सोई थी, तो इसलिए थोड़ा सा लेट उठी हूँ आज। एंड कल रात को मेरे भैया भी नहीं थे घर में, आज जस्ट अभी वो आए हैं एंड अभी मैंने ब्रेकफास्ट एंड ऑल कर लिया है। ब्रेकफास्ट एंड ऑल करके मेरे भैया के मोबाइल में मैं वो देख रही थी, भैया जहाँ पे गए थे, एक्चुअली भैया गए थे माजुली में, जो माजुली की ब्लॉग्स तो आप लोगों ने देखी होगी मेरे चैनल में मैंने, बट एनीवेज मेरे भैया फिर से अभी इस कल गए थे माजुली, क्योंकि माजुली में अभी रासलीला फेस्टिवल चल रही है, तो मेरे भैया वही देखने गए थे। मुझे भी जाने का मन था, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी तो इसलिए मैं नहीं गई, बट मुझे देखने का बहुत ज़्यादा ही मन था। बट एनीवेज नेक्स्ट ईयर चले जाऊँगी। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से वहाँ पर डेकोरेट किया गया है एंड रासलीला बहुत ही अच्छी तरीके से मनाई जाती है, मैंने जो उससे सोचा था ना उससे भी बहुत ही ह्यूज तरीके कैसे मनाई जाती है। तो भैया थोड़ी बहुत वीडियो करके लाए हैं, वही मैं देख रही थी, तो मैं आप लोगों के साथ भी थोड़ा बहुत शेयर कर दूंगी इस वीडियो के अभी एंड में, तो आप लोग भी थोड़ा सा इसे वर्चुअली एंजॉय कर लेना जैसे कि मैंने।
छोटी मोटी क्लिप्स मैंने शेयर की है वो आपको पसंद आई है। वैसे जब आप रियलिटी में देखोगे ना तभी आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी। एंड जैसा मोबाइल में पिक्स एंड वीडियोस आई है ना उससे भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है सामने से इन रियल। मेरे भैया सोए नहीं है तो अभी वो ब्रेकफास्ट ऑल करके थोड़ा सा आज सोएंगे क्योंकि पूरी रात रासलीला हो रही थी एंड पूरी रात उन्होंने देखा है। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।